तो पहुंच गए जी फाइनली हम अपने दादी गांव, और यहां देख सकते हैं हमारी बेटी को जन्मदिन से बेटा के। कायल 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 साथ साथ काम हो रहा है, खाना और तैयार होना दोनों साथ साथ हो रहा है। अपने गांव से तो निकल गए जी और आ गए हैं अपने गांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा धीमेश्वर का मंदिर, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो फाइनली जी सभी लोग कटिहार पहुंच चुके हैं, जाते हैं जल्दी से गेट खुलवाते हैं और चलते हैं अंदर। साक्षी और छोटी आ गई है जी और वो लोग अपना रूम में है, मम्मी को जा करके बुलाते हैं। मम्मी लगता है गप में लग गई जरूर वहाँ पर। मम्मी चलो चलो इंतजार है जल्दी जल्दी। तो सभी लोग आ गए और हम लोग चलते हैं और प्रसाद जो है रास्ते में ही ले लेंगे, अभी प्रसाद खरीदा भी नहीं है। यहाँ से लगता है 1.5 से 2 घंटे का सफर होगा, तो चलते हैं। तो हलावा बीमार कर दिए हैं इसलिए नहीं जा पा रहे, यही सब हाथ जोड़ते हैं कि कहाँ मेरी गलती है इस तरह साथ मेरे साथ। उसके बदले में हमें पिताजी इसीलिए लगा दिए कि जो कम ये नहीं कर पाएगी वो हम पूरा। बिल्कुल सही बात है, तुम रेस्ट करो ताकि कल भी आराम से चल फिर, और आज भी तुम चलेगी फिरेगी तो दोनों एक ही जगह शादी करेंगे, जो ये नहीं करेगी वो हम करेंगे, जो हम नहीं करेंगे साथ देते हैं। अभी तो घूमते हैं, दीदी घूमती नहीं है, बस घूमने के लिए हम नहीं थे। देख करके अपार खुशी होती है, मेरा बेटा अपने माँ बाप के साथ कार में सफर कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है तो चलते हैं जी। तो सभी लोग निकल गए हैं जी और बीच रास्ते में रुक गए हैं, सोचे कि कुछ मिठाई ले लेते हैं, तो जल्दी से जाते हैं लेते हैं। तो ये वाला मिठाई ज्यादातर हम लोगों के गांव में चढ़ता है, तो यही वाला मिठाई लेंगे, तो लेते हैं और चलते हैं इसको लेकर के। रख लेना मम्मी। One hour later. तो फिलहाल जी हम लोग रुके हुए थे अभी मीरगंज में, यहाँ से हमें लेना था पान सुपारी और अगरबत्ती यह सब, ताकि हम लोग सीधा वहाँ पर जाए और सीधा जा करके पूजा कर ले और वहाँ पर मार्केटिंग में जो है ज्यादा समय नहीं वेस्ट हो। तो उसके बाद जो है बड़े पापा को बोल दिया कि तैयार रहने के लिए, तो देखते हैं तैयार रहते हैं कि नहीं। क्या उम्मीद है तैयार रहेंगे? नहीं तो कह रहे हैं तैयार होने में देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगता है। तो हमारे भी पापा का कुछ ऐसा ही आदत है, बाकी देखते बड़े पापा समय पर तैयार रहते हैं कि नहीं। तो पहुंच गए जी फाइनली हम अपने दादी गांव, और यहां देख सकते हैं हमारी बेटी को। रोली क्या चल रहा है? रोली क्या चल रहा है? रोली हमको अपना रूम लेकर के जा रही है, तो देखते हैं क्या दिखाती है रोली। हाँ क्या है फ्रिज में बताओ? हाँ ठीक है, मामा वीडियो बना रहे। हाँ हाँ सोनू जन्मदिन से बेटा के। कायल 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 हाँ चला मामा 16 मई का चल मामा, गाड़ी आने जियो गाड़ी से लागर चल चल तैयार। तो यहाँ पर हमारी दादी माँ जो है खाना खा रही है, तो जैसे इनका खाना खत्म हो जाएगा फिर लेकर के जाएंगे, और निधि उनको तैयार कर रही है, साथ साथ काम हो रहा है, खाना और तैयार होना दोनों साथ साथ हो रहा है। खाना नहीं दिखा चाची जी? ठीक है नहीं दिखा, खाना वैसे अच्छा ही बना है क्योंकि हमारी यहाँ ये सब्जी बहुत ही महंगा। बिल्कुल सोहेजन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है सोहेजन, और अच्छा खासा महंगा मिलता है मार्केट में। हम 80 रुपया पौवा खरीदे थे, अब ये कह रही है खाना किसी को देखने नहीं देंगे। 20 minutes later. इसीलिए मम्मी तुमको आगे ही बैठा रहे हैं। बैठिए पापा। तो सभी लोग जी अब यहाँ से निकल रहे हैं, एक एक करके बैठ रहे हैं ना, तो आगे बैठ नो सीट थोड़ा सा कर लो, मामा की दिक्कत हो रहा होगा। गांव से तो निकल गए जी और आ गए हैं अपने गांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है बाबा धीमेश्वर का मंदिर, तो हम लोग यहां पर आ गए और देख रहे मंदिर का अभी भी कंस्ट्रक्शन सब जो है चल ही रहा है। तो फिलहाल मम्मी पापा उधर गए हुए हैं फूल सब लेने के लिए, जल लेने के लिए, तो चलते हैं और यहां पर पूजा करते हैं, और पूजा करके जो है फिर कटिहार भी निकलना है। तो अंदर जी हमने कार्ड चढ़ा दिया, कार्ड चढ़ा करके वहाँ पर जो है पूजा भी कर दिया, और पंडित जी ने जो है काफी अच्छे से पूजा करा दिया, काफी अच्छा लगा यहाँ पर। और बाकी 2 मंदिर है वहाँ भी जा करके दर्शन कर लेते हैं, पीछे हमारी नंदी महाराज है, तो चलिए चलते हैं।
हमारा खाना पीना हो गया, पीछे बबीता दीदी अपना खाना खा रही है। भैया क्या काट रहे हैं? बीन्स। क्या बनेगा इसका? भेज कोफ्ता। भेज कोफ्ता। इसको कितना बारीक काट रहे हैं, एक ही वैसे काटना है सारा। खाना वैसे बहुत बढ़िया बनाते भैया, बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा बना, सब तारीफ किया बहुत। आज तो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाए हैं भैया, कह रहे ग्रुप में मेरी शादी में आप ही लोग थे, मतलब कोई और होगा लेकिन ना, मतलब आप ही लोग का टीम था। इतने सारे बीन्स जो है मुझे लगता है काटते काटते, इतना बारीक काटते काटते ही शाम हो जाएगा, हम लोगों से शाम हो जाएगा, भैया से नहीं होगा। प्रियांश बाइक से घूम रहे हैं। तो हमारे साथ के एक और क्रिएटर आने वाले हैं, अभी बस मिलने आने वाले हैं, वो फंक्शन में भी आएंगे, अभी रुकेंगे नहीं, बस मिल के थोड़ी देरों में चली जाएंगे वो। हमने बोला उनको रुकने के लिए लेकिन वो बोली पास में ही उनका भी माइक है तो वहाँ रुकेंगे वो। अभी पतिदेव गए हैं, अभी तक आए नहीं है, 4 बजे तक आएंगे, 3 बजे, और दीदी लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, अपने व्लॉग्स भी एडिट कर रही हैं। अब बउआ नीचे है तो चलते हैं, मिलवाते हैं आपको, और वो जब आएंगी तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। इधर हमारी बुआ जी आ गई हैं और एक बुआ जी बची हुई है, आएंगी कि नहीं माँ? और बड़ी वाली बुआ जी बरसात में जा रही है तो नहीं आएंगी? नहीं आएगी, बात बताइए, आना चाहिए। बहू को बरसात पुजा रही है, उनका बेटा मानस की बहू और मेरी भांजी जो है शालू अंशु। शालू दीदी आ रही है? आ रही है। वाह, इधर को पता ही नहीं था, बोली थी कि आएंगे लेकिन कंफ्यूजन था। मेरे छोटे वाले नंदोशी फूफा जी इधर बैठे हुए बोल रहे थे ना फूफा जी आ जाएंगे, फिर आधा टेंशन दूर हो जाएगा। पहले आ ही जाती है और हम पर कंप्लेन भी है जो आप अनु को ज्यादा मानते हैं। मतलब बड़ी वाली बुआ जी है, उनका कंप्लेन है कि मतलब छोटी वाली बुआ जी को ज्यादा प्यार करती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। बाय। प्रियांश को हर जगह बहुत प्यार मिलता है, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे उसके चाहने वाले हैं, हर टाइम घूमते रहता है प्रियांश। देखो उसके लिए चॉकलेट लेके आया है वो। वाह, हुआ मामा को भी। भाई भाई कहाँ है भाई? भाई तो तुम्हारे घूम रहा है उधर। A few moments later. नहीं आप नहीं बोले। इन कौन उसमें पड़े? ना कोमल। कभी गाड़ी तो मैं की है ना? बड़ी गिरा। तो गाड़ी में नहीं है, बड़ी आदमी गाड़ी में। बड़ी आदमी में। जो आप इंतजार कर रहे हो? अच्छा वो हम भी आ गए। बता रहा था ना कि मैंने इतने सर्दी के की दीदी आप अपनी एडिटिंग कर लो, जो भी वीडियोस आते हैं सबका एक साथ आए, थोड़े थोड़े टाइम में क्या करूँगी भाभी, मैं नई नहीं हूँ ना तो फिर भी तुम्हारे पास रह के मैं पूरा सीख जाऊंगी। ये जिया बोले जा रही ना कि इनसे सीख लो सीख लो, तो इनसे मैं अभी पहली बार एडिटिंग में बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? कोमल। दीदी भी नहीं नहीं तो फाइनली जी सभी लोग कटिहार पहुंच चुके हैं, जाते हैं जल्दी से गेट खुलवाते हैं और चलते हैं अंदर। लेकिन आप नहीं दिखा।